बहू से बढ़के सास। ये कहानी है सारिका की, जिसने बड़ी ही मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया, जिसे अब उसके साथ उसकी बहू भव्या भी देखती थी। भव्या विदेश से MBA की डिग्री लेकर आई थी। एक दिन सारिका मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो ऐसा करने से सीधा असर देश की इकोनॉमी के साथ हमारे बिजनेस में भी अच्छा ही होगा। वहां बैठे सभी तालियां बजाने लगते हैं कि तभी वहां काव्या आ जाती है। ओह नो, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, वरना काफी नुकसान हो जाएगा। सभी हैरान रह जाते हैं। सारिका काव्या की तरफ देखकर पूछती है, अच्छा तो जरा बताना कि इसके लिए दूसरा रास्ता क्या है। काव्या हड़बड़ा जाती है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, एक्चुअली अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो ये अमेरिका है भी नहीं, हम भारत में हैं। काव्या को सारिका की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से पैर पटक कर निकल जाती है। अगले दिन सारिका किसी चेक पर साइन कर रही होती है कि तभी वहां काव्या आ जाती है। अरे माँ, इतनी बड़ी राशि अब किसे दे रही हैं? काव्या, हम हर साल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देते हैं। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत है? अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो कोई गरीब है ही नहीं। और काव्या हंसने लगती है। सारिका को गुस्सा आ जाता है और वो काव्या को कहती है, हाँ बहू, वहां कोई गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की बहुएं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं, पैसा बचाने वाली। अच्छा, तो क्या गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसा देना पैसा लुटाना है? तो फिर ये महंगे कपड़े, जूते और बैग, ये क्या है काव्या? काव्या का मुंह एक बार फिर बन जाता है और वो सोच लेती है कि वो सारिका को ये बता देगी कि वो बहुत योग्य और समझदार है। काव्या की माँ एक दिन उससे मिलने उसके घर आती हैं। क्या बताऊं माँ, मेरी सास ने एक बिजनेस क्या खड़ा कर लिया, अपने आप को बिजनेस टाइकून समझने लगी, हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। सोचो, आप लोगों ने मुझे विदेश में पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, लेकिन इन लोगों को तो कोई कद्र ही नहीं। तो बोल तो तेरे लिए मैं नया बिजनेस खोल देती हूँ, तू उसे और भी अच्छे से चला कर दिखाना, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि वो कितनी गलत है और तू कितनी समझदार। काव्या को अपनी माँ का आइडिया अच्छा लगता है। वो बैंक से पैसा लोन लेकर कपड़े बनाने का बिजनेस खोलती है। और एक दिन काव्या फोन पर किसी से बात करती है, जिसे वहां खड़ी सारिका सुन लेती है। मैनेजर, हमें गुप्ता कंपनी को माल देना है, याद रखें हमें 60% से ज्यादा की कमाई करनी है, चाहे वो क्वालिटी कैसी भी हो। ये बोलकर काव्या फोन रख देती है। अरे काव्या, ये क्या, क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, वरना मार्केट में वैल्यू गिर जाती है। अच्छा, अमेरिका में तो ऐसा ही होता है, और हाँ, आप मुझे सीख ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ, ना कि लुटाने। ठीक है, तो कर ले जो करना है, जब क्लाइंट की मार पड़ेगी तब इंडिया याद आ जाएगा। इतना कहकर सारिका हंसते हुए वहां से निकल जाती है। काव्या को सारिका की बात पर गुस्सा आता है और वो सोचती है कि जब उसे इस ऑर्डर से ढेर सारा फायदा होगा, तब वो अपनी सास को मजा चखा देगी। कुछ दिनों बाद काव्या के फोन पर फिर किसी का फोन आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओह नो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो रॉन्ग है, मैं इस बने हुए ऑर्डर का क्या करूंगी, आपकी तरफ से पेमेंट भी नहीं आई है, कितना सारा माल बना दिया है। वो जोर से फोन रखकर रोने लगती है।
तभी सारिका वहां आ जाती है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? कहा ठीक है मॉम, आपने सही कहा था, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सारा माल वापस हो गया है और अब मैं इतना सारा माल कैसे खत्म करूंगी? अब समझ में आया कि पढ़ाई कहीं की भी हो, अच्छा अनुभव और काम करने का तरीका सही होना चाहिए। वैसे काव्या, एक चीज और है जो तू न जाने कैसे खत्म करेगी। वो क्या है मॉम? बैंक का लोन। इतना कहकर सारिका एक बार फिर हंसते हुए वहां से निकल जाती है।